हेलो एवरीवन, वेलकम टू द्रोणाचार्य एजुकेशन। फ्रेंड्स, देखिए आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो कि बीएड एंट्रेंस के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। यहां पर हम मिक्स क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जो भी आपका टीचिंग एप्टीट्यूड मैथमेटिक्स हो गया, एजुकेशनल जीके हो गया, स्टैटिक जीके हो गया, यहाँ पर हम सारे क्वेश्चंस को कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्कूल्स हैव बीन सेटअप विद रेस्पेक्ट टू स्पेशल फोकस ऑन एसटी स्टूडेंट्स। कौन सा स्कूल जो कि है सेटअप किया गया है एसटी स्टूडेंट्स को जो कि स्पेशल फोकस देने के लिए। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर जो कि रहेगा कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हम देखते हैं। हु वॉज द लास्ट वाइसराय एंड फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया। कौन जो कि थे लास्ट वाइसराय एंड फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया। ओके, ऑप्शन में यहाँ पर आप देख सकते हो इसका जो कि राइट आंसर रहेगा लॉर्ड माउंटबेटन, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट होगा द TLMs शुड ऑलवेज बी डिजाइन अकॉर्डिंग टू। TLM जो कि होता है टीचिंग लर्निंग मटेरियल जो कि है कैसे जो कि है डिजाइन होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ टीचर्स, या फिर टू द लेवल ऑफ मैनेजमेंट, टू द लेवल ऑफ स्टूडेंट्स, या फिर टू द लेवल ऑफ स्कूल। दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर रहेगा जो कि टू द लेवल ऑफ स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स के लेवल में जब आप बनाएंगे आपका मटेरियल जो कि होगा टीचिंग लर्निंग मटेरियल, तो स्टूडेंट्स को जो है अच्छे से समझ में आ जाएगा, उनका जो कि अंडरस्टैंडिंग लेवल अच्छा होगा। ठीक, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी जो कि ये राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, टू द लेवल ऑफ स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपका सही होगा। सो नेक्स्ट होगा इन CCE ए चाइल्ड इज इवैल्यूएटेड फॉर। CCE में जो कि आपका होता है कंटिन्यूस एंड कम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन होता है चाइल्ड का, तो यहाँ पर जो है कौन कौन सा एस्पेक्ट जो कि है इवैल्यूएट किया जाता है एक चाइल्ड का। ऑप्शन में रहेगा बोथ स्कॉलास्टिक एंड को स्कॉलास्टिक एस्पेक्ट्स, या फिर ओनली स्कॉलास्टिक नॉट को स्कॉलास्टिक, एंड ऑप्शन सी रहेगा ओनली को स्कॉलास्टिक, एंड ऑप्शन डी रहेगा नाइदर। दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर जो कि रहेगा बोथ स्कॉलास्टिक एंड को स्कॉलास्टिक, यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर हम देखते हैं ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही होगा। ओके, नेक्स्ट पूछा गया है फुल फॉर्म ऑफ MLL, तो MLL का फुल फॉर्म यहाँ पर आपका क्या रहेगा दोस्तों। ऑप्शन में यहाँ पर आप देख सकते हो मिनिमम लेवल्स ऑफ लर्निंग, मैक्सिमम लेवल्स ऑफ लर्निंग, मैक्सिमम लाइफ ऑफ लर्निंग, या फिर मिनिमम एज ऑफ लाइफ ऑफ लर्निंग। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर रहेगा जो कि मिनिमम लेवल्स ऑफ लर्निंग जो कि यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। सो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन होगा व्हाट इज़ द एरिया ऑफ फोर वॉल्स ऑफ द रूम व्हिच इज 6.5 मीटर लॉन्ग, 4 मीटर वाइड एंड 4.5 मीटर हाइट। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखें तो एक टाइप का जो कि है क्यूब रहेगा, जिसका जो कि आपको फोर वॉल का आपको एरिया निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम ड्रॉ करते हैं दोस्तों, एक टाइप का क्यूब रहेगा, तो इस टाइप का जो कि ये क्यूब है इसका जो कि आपको फोर वॉल का जो कि आपको एरिया निकालना है। तो फोर वॉल क्या क्या है देखो, ये वाला पार्ट रहेगा इसका, ये वाला पार्ट रहेगा, और उसका जो कि अभी जो कि यहाँ पर आपका फ्रंट वाला पार्ट रहेगा, ये वाला फ्रंट वाला पार्ट, और उसका ऑपोजिट जो कि आपका बैक वाला पार्ट रहेगा। बट जो कि यहाँ पर आपको दो पार्ट का नहीं निकालना है वो क्या क्या है, जो कि आपका ये छत वाला पार्ट रहेगा और ग्राउंड वाला पार्ट का अभी आपको नहीं निकालना है, ओनली फोर वॉल का निकालना है। तो फोर वॉल का एरिया के लिए यहाँ पर आप देखो क्या कर सकते हो, तो फोर वॉल का देखो ये वाला पार्ट जो कि रहेगा दोस्तों इसका एरिया कितना होगा देखो, यहाँ पर ये आपका ब्रेथ होगा और ये आपका हाइट होगा। तो ब्रेथ हाइट यहाँ पर आप लिखो, तो ब्रेथ हाइट और ये वाला उसका ऑपोजिट ब्रेथ हाइट, तो टू ब्रेथ हाइट हो गया, प्लस क्या होगा ये वाला फ्रंट वाला पार्ट, यहाँ पर आप देखो फ्रंट वाला पार्ट का एरिया कितना होगा, यहाँ पर हम देखेंगे तो फ्रंट वाला पार्ट यहाँ में आपका एक लेंथ है और एक हाइट है, तो इसमें हम देखें तो लेंथ यहाँ पर आपका रहेगा एल और हाइट जो कि LH, तो इसका जो कि ऑपोजिट वाला पार्ट होगा जो कि LH होगा, तो यहाँ पर आपका 2LH होगा। तो इसका जब हम निकालेंगे देखो यहाँ पर 2BH प्लस LH, तो ये आपका फोर वॉल का एरिया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम निकालते हैं 2, यहाँ पर आपका BH प्लस LH होगा, 2BH प्लस LH। ठीक है, तो अभी इसमें हम पुट करेंगे सारे वैल्यूज को, तो यहाँ पर आप देखो कि आपका 2 तो यहाँ पर आपका कॉमन रहेगा, तो 2 यहाँ पर आपका बी जो कि आपका वाइड रहेगा 4 मल्टीप्लाई हाइट जो कि यहाँ पर आपका है आप 4.5 है, प्लस यहाँ पर आपका रहेगा लेंथ जो कि 6.5 मल्टीप्लाई हाइट जो कि यहाँ पर आपका रहेगा दोस्तों 4.5। ठीक,
तो यहाँ पर हम कैलकुलेट इसमें करते हैं, तो 4 × 4.5 कितना होगा, 4×5 = 20, 0 होगा, एंड 4×4 = 16 प्लस 2 18 हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका 18 होगा प्लस यहाँ पर आपका 2 है। सो दोस्तों इन दोनों को आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा 29.25 होगा, ठीक है। तो इन दोनों को अभी आपको ऐड करना है। ओके, तो इनको जब हम ऐड करेंगे तो 2 × कितना होगा 0.25, एंड यहाँ पर आपका 7, 4, तो 47.25 यहाँ पर आपका आएगा 2 × फ्रेंड्स। यहाँ पर हम देखें तो 2 × 47.25 जब करेंगे, 2×5 = 10, 0, 2×2 = 4, 5, उसके बाद क्या होगा, 2×7 = 14, यहाँ पर आपका 4 रहेगा, 1×2×4 = 8, यहाँ पर प्लस 1 = 9, तो 94.5 यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही होगा। आया समझ ये क्वेश्चन आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, इफ द मीन एंड मीडियन ऑफ ए सेट ऑफ नंबर्स आर 7 and 8 रेस्पेक्टिवली देन द मोड विल बी। तो यहाँ पर हमें जो कि है मीन दिया गया है 7 एंड मीडियन दिया गया है 8 एंड हमें मोड पूछा गया है। सो यहाँ पर हम देखे थे दोस्तों इन तीनों का जो कि रिलेशन रहता है, मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। तो यहाँ पर हमें सारे वैल्यू को पुट कर लेंगे अभी। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 3 × मीडियन, मीडियन का वैल्यू है यहाँ पर आपका 8 माइनस 2 मीन, मीन का वैल्यू है 7, तो यहाँ पर आ जाएगा 24 − 14, तो आंसर यहाँ पर आप देख सकते हो कि 10 इसका आ रहा है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए जो कि है सही हो जाएगा, 10 इसका सही आंसर होगा जो कि मोड 10 आएगा। ओके नेक्स्ट होगा, द वाटर स्टोर इन ए डैम पोजेसेस विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ एनर्जी। यहाँ पर ऑप्शन में रहेगा काइनेटिक एनर्जी, हीट एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी या फिर इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो यहाँ पर दोस्तों हम देखें तो इसका जो कि राइट आंसर रहेगा ये पोटेंशियल एनर्जी इसका सही आंसर होगा। ठीक, नेक्स्ट सो नेक्स्ट है, मिसिसिपी रिवर फ्लोस थ्रू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। मिसिसिपी रिवर जो कि है कौन सा कंट्री से जो कि है फ्लो हो रहा है। तो यहाँ पर हम देखें तो रसिया, चाइना, USA या फिर यूनाइटेड किंगडम। दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर रहेगा जो कि USA इसका सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट होगा, एंजल वाटरफॉल इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग नेशन। एंजल वाटरफॉल कौन सा कंट्री में जो कि आपको देखने को मिलेगा, साउथ अफ्रीका, कनाडा, कोस्टा रिका या फिर वेनेजुएला। राइट आंसर यहाँ पर आपका रहेगा दोस्तों जो कि वेनेजुएला में जो कि है एंजल वाटरफॉल। ओके, नेक्स्ट होगा, सो नेक्स्ट होगा, इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल सेटअप टू होम आर द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो कि है कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल होते हैं द प्राइम मिनिस्टर, द गवर्नर, द लोकसभा या फिर यहाँ पर आपका रहेगा द राज्यसभा। तो यहाँ पर हम देखें तो राइट आंसर जो कि रहेगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो कि कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं लोकसभा के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखें तो दोस्तों इंडिविजुअली यहाँ पर आपको पूछा जाए तो ये हो जाएगा प्रेसिडेंट, एंड कलेक्टिवली जो भी आपका पूछा है तो ये होगा लोकसभा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का। ठीक है, नेक्स्ट होगा, एज पर द आर्टिकल 75 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हु अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर। आर्टिकल नंबर 75 में जो कि बोला गया है अपॉइंटमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, तो इनको जो है अपॉइंट्स कौन करते हैं। ऑप्शन में यहाँ पर आप देख सकते हो द प्रेसिडेंट, द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, द स्पीकर ऑफ लोकसभा या फिर द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। राइट आंसर यहाँ पर आपका रहेगा जो कि द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक, प्रेसिडेंट जो कि है अपॉइंट्स करते हैं प्राइम मिनिस्टर को। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फीचर्स ऑफ लर्नर सेंटर अप्रोच। लर्नर सेंटर अप्रोच का कौन सा जो कि एक फीचर रहेगा। ऑप्शन में रहेगा लर्नर्स आर एक्टिव पार्टिसिपेंट्स, टीचर्स एंगेज द स्टूडेंट्स या फिर टीचर डिसाइड ऑन द कंटेंट,
लर्नर्स आर डिपेंडेंट ऑन टीचर्स। तो यहाँ पर हम देखे थे दोस्तों लर्नर सेंटर अप्रोच में, जो कि यहाँ पर आपका सही आंसर जो कि रहेगा लर्नर्स आर एक्टिव पार्टिसिपेंट्स, यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट। सो नेक्स्ट होगा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट, इसमें से कौन सा जो कि एक ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट रहेगा। ऑप्शन में है राइटिंग एंड एसे, ओरल प्रेजेंटेशन, ट्रू फॉल्स या फिर कोलाबोरेटिव प्रोजेक्ट। तो यहाँ पर हम देखे थे दोस्तों इसका जो कि राइट आंसर रहेगा ऑब्जेक्टिव टाइप जो कि टेस्ट होगा ये ट्रू फॉल्स, इसका सही आंसर होगा ट्रू फॉल्स, जो कि आपका क्वेश्चन रहता है ये आपका ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट में आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर आपका क्वेश्चन रहेगा डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन इज स्पेशली कंडक्टेड टू आइडेंटिफाई एंड रिमूव। डायग्नोस्टिक टेस्ट जो कि किया जाता है ये किस लिए जो कि है कंडक्ट किया जाता है, क्या जो कि है आइडेंटिफाई या फिर रिमूव करने के लिए। ऑप्शन में रहेगा द लर्निंग डिफिकल्टीज ऑफ लर्नर्स, द डिफ़िकल्टीज इन प्लेसमेंट या फिर द डिफ़िकल्टीज ऑफ मैनेजमेंट, द डिफ़िकल्टीज इन एडमिनिस्ट्रेटिंग द टेस्ट। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखें तो इसका जो कि राइट आंसर रहेगा द लर्निंग डिफ़िकल्टीज ऑफ लर्नर्स, ये आपका सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट होगा चिल्ड्रेन स्पीकिंग टू देमसेल्फ व्हाइल सॉल्विंग ए वर्ड प्रॉब्लम इन मैथमेटिक्स इज टॉमस। चिल्ड्रन जो कि यहाँ पर बात कर रहे हैं खुद से जब मैथमेटिक्स का क्वेश्चन जो कि है सॉल्व कर रहे थे, तो यहाँ पर जो कि आपका क्या रहेगा इस स्टेटमेंट का मीनिंग, मतलब इस टाइप का जो कि है बात करना ये क्या होता है, प्राइवेट स्पीच या फिर फ्रेमिंग स्पीच, एक्सटर्नल स्पीच या फिर कम्युनिटी स्पीच। दोस्तों यहाँ पर हम देखें तो इसका जो कि आपका राइट आंसर रहेगा ये प्राइवेट स्पीच, यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट होगा यहाँ पर पूछा गया है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर एसिडिक सॉल्यूशन। तो एसिडिक सॉल्यूशन का यहाँ पर आपका करेक्ट एक्सप्रेशन क्या रहेगा, तो एसिडिक सॉल्यूशन क्या होता है कि जिसका जो कि पीएच जो कि आपका रहेगा लेस देन 7 जो कि होता है ये आपका एसिडिक सॉल्यूशन में आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए जो कि है सही होगा। ठीक, तो यहाँ पर आंसर जो कि आपका रहेगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हम देखें तो ग्रेटर देन जब 7 होता है ये आपका रहेगा जो कि बेसिक सॉल्यूशन एंड इक्वल टू जब आपका 7 होता है पीएच तो ये आपका हो जाएगा न्यूट्रल सॉल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट पूछा गया है व्हाट इज़ द एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ सर्किल हुज रेडियस इज 6 सेंटीमीटर इफ द सेक्टर मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। तो यहाँ पर आपका 600 ये नहीं होगा, ये 60 डिग्री होगा सेंटर में। तो यहाँ पर जो कि आपको एरिया पूछा गया है, ऐसे क्वेश्चंस हम ऑलरेडी किए थे दोस्तों आपका। तो यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर एक सर्कल रहेगा जिसका जो कि यहाँ पर आपका दिया गया है 6 सेंटीमीटर इसका रेडियस है एंड यहाँ पर एक सेक्टर बना हुआ है जो कि 60 डिग्री यहाँ पर इसका एंगल रहेगा और यहाँ पर आपको पूछा गया कि इस सेक्टर का जो कि आपका एरिया क्या होगा। तो यहाँ पर हमें पुट करना है एरिया जो कि यहाँ पर आपका होगा थीटा बाय 360 डिग्री मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। तो थीटा की जगह हमें पुट करना है 60 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखें तो 60 डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई पाई का वैल्यू हम लेंगे 22/7 और मल्टीप्लाई 6 का स्क्वायर होगा 36। ठीक, तो यहाँ पर हम देखें तो ये आपका 0 0 कट होगा, उसके बाद यहाँ पर आप देखो 36 एंड 36 भी कट हो जाएगा डायरेक्टली। तो यहाँ पर हम देखें तो इसका जो कि आंसर आ जाएगा 6 2 12 प्लस 1 13, तो 132 डिवाइडेड बाय 7 यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन जो कि रहेगा सी नंबर यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। आई समझ, नेक्स्ट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हु रोट द बुक पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये बुक का नाम जो कि रहेगा पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये बुक को जो है किसने लिखी है। ऑप्शन में रहेगा आरसी दत्त, दादा भाई नरोजी, एमजी रानाडे, सुब्रमण्यम आयर। फ्रेंड्स यहाँ पर राइट आंसर रहेगा ये दादा भाई नरोजी के द्वारा जो कि ये बुक को लिखा गया है पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हम देखते हैं बिहू इज द फोक डांस ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स।
बिहू जो कि कौन सा स्टेट का जो कि फोक डांस है। ऑप्शन में है ओडिशा, गुजरात, केरला या फिर आसाम। राइट आंसर यहां पर आपका रहेगा जो कि आसाम होगा इसका सही आंसर। आसाम का जो कि फोक डांस रहेगा बिहू। ठीक है, नेक्स्ट पूछा गया है हु वाज द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। इंडिया का जो कि इंडिपेंडेंट इंडिया का फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो कि है कौन थे। ऑप्शन में रहेगा सुकुमार सेन, के सुंदरम, टी स्वामीनाथन या फिर MS गिल। फ्रेंड्स यहां पर आपका राइट आंसर रहेगा ये सुकुमार सेन जो कि है जो कि रहे थे फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट होगा द टर्म पेपर गोल्ड रेफर्स टू। पेपर गोल्ड जो है किससे जो कि यहाँ पर आपका एसोसिएट रहेगा GEFO, वर्ल्ड बैंक, एक्सटेंडेड फंड ऑफ फैसिलिटी ऑफ IMF या फिर इंडियन डिपोजिटरी रिसिप्ट एंड स्पेशल ड्राइंग राइट्स ऑफ IMF। तो यहाँ पर हम देखें तो पेपर गोल्ड जो कि यहाँ पर आपका रिलेट होगा स्पेशल ड्राइंग राइट्स ऑफ IMF, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हम देखें तो विच इज़ द फर्स्ट आर्टिफिशियल सेटेलाइट लॉन्च्ड बाय इंडिया। कौन सा जो कि यहाँ पर आपका फर्स्ट आर्टिफिशियल सेटेलाइट जो कि है इंडिया के द्वारा जो कि है लॉन्च किया गया है। आर्यभट्ट, कल्पना 1 या फिर इडुसेट इनसेट। तो यहाँ पर हम देखें तो दोस्तों फर्स्ट आर्टिफिशियल सेटेलाइट जो कि होगा ये आपका रहेगा आर्यभट्ट। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हम देखते हैं हु रोट द बुक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। एक बुक का नाम जो कि रहेगा द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, ये बुक को जो कि है कौन लिखे है। ऑप्शन में रहेगा VT सावरकर, SN सेन, RC मजुमदार या फिर MG रानाडे। राइट आंसर यहाँ पर आपका रहेगा VT सावरकर, यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। बुक का नाम रहेगा द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क्स इज द नेचुरल हैबिटेट ऑफ एशियाटिक लायन। तो यहाँ पर हम देखें तो कौन सा नेशनल पार्क में जो कि यहाँ पर आपका एशियाटिक लायन देखने को मिलता है। तो ऑप्शन में यहाँ पर आपका रहेगा पपिकोंडा नेशनल पार्क, गुंडी नेशनल पार्क, गिर नेशनल पार्क या फिर सैडल पिक नेशनल पार्क। तो एशियाटिक लायन जो कि है यहाँ पर आपका सही आंसर रहेगा जो कि गिर नेशनल पार्क। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है द क्योटो प्रोटोकॉल इज एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट अडॉप्टेड इन 1997 दैट एम्स टू रिड्यूस। तो क्योटो प्रोटोकॉल में जो कि है किसके बारे में जो कि है एग्रीमेंट हुआ है यहाँ पर हम देखें तो क्या जो कि है रिड्यूस करने के लिए जो कि इसका एम रखा गया है। ऑप्शन में रहेगा ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस या फिर परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स, मर्क्यूरी कंटामिनेशन या फिर ग्रीन हाउस गैसेस। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखें तो इसका जो कि राइट आंसर रहेगा जो कि ग्रीन हाउस गैसेस। तो आपको यहाँ पर देखना है कि क्योटो प्रोटोकॉल जो कि है ग्रीन हाउस गैसेस जो कि यहाँ पर आपका रिलेट होगा। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही होगा दोस्तों। सुल्तान अजलान शाह कफ इज रिलेटेड टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स। तो यहाँ पर आपको पूछा कि सुल्तान अजलान शाह कप जो कि रहेगा ये कौन सा स्पोर्ट्स से रिलेट है। ऑप्शन में रहेगा हॉकी, रोइंग, गोल्फ या फिर चेस। फ्रेंड्स यहाँ पर आपका राइट आंसर रहेगा जो कि हॉकी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज़ द पीरियड ऑफ सेकंड फाइव ईयर प्लान ऑफ इंडिया। सेकंड फाइव ईयर प्लान का जो कि यहाँ पर आपका पीरियड पूछा गया है तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो कि रहेगा ये 1956 टू 1961 जो कि यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। तो फर्स्ट फाइव ईयर प्लान का यहाँ पर हम बात करें तो जो कि 1951 टू 1956 रहेगा, सेकंड जो कि होगा 56 टू 61 रहेगा। ठीक है, जो कि फाइव ईयर यहाँ पर आपका गैप होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हम देखते हैं सतपुरा नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन व्हिच स्टेट। सतपुरा नेशनल पार्क जो कि है कौन सा स्टेट में होगा। ऑप्शन में रहेगा गुजरात है, मध्य प्रदेश, ओडिशा या फिर छत्तीसगढ़।
तो यहाँ पर हम देखें तो दोस्तों सतपुरा नेशनल पार्क जो कि इसका सही आंसर होगा ये मध्य प्रदेश में है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ WPI इन इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के टर्म में यहाँ पर हम देखें तो WPI का फुल फॉर्म क्या होगा, ऑप्शन में यहाँ पर आपका रहेगा होल सेल प्राइस इंस्ट्रूमेंट, होल सेल प्राइस इनकम, या फिर होल सेल प्राइस इंडेक्स, होल सेल प्राइस इन्फ्लेशन। दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर जो कि रहेगा ये होल सेल प्राइस इंडेक्स जो कि यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होल सेल प्राइस इंडेक्स। ठीक है, नेक्स्ट होगा इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन इज लोकेटेड। नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन जो कि है कौन सा स्टेट में है, ऑप्शन में रहेगा आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, या फिर मध्य प्रदेश। तो राइट आंसर जो कि यहाँ पर आपका रहेगा जो कि ये उत्तर प्रदेश, इसका सही आंसर होगा नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन। ठीक है, नेक्स्ट होगा द कार्टाजेना प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू। कार्टाजेना प्रोटोकॉल जो कि है किससे रिलेटेड होगा, बायोसेफ्टी, पर्सिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स, ग्रीन हाउस गैसेस, या फिर आपका ऑप्शन नंबर डी रहेगा ओजोन लेयर। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखें तो कार्टाजेना प्रोटोकॉल जो कि रिलेट है ये बायोसेफ्टी, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कार्टाजेना प्रोटोकॉल बायोसेफ्टी से जो कि यहाँ पर आपका रिलेट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हम देखते हैं हु रोट द बुक हिंद स्वराज। हिंद स्वराज जो कि एक बुक रहेगा ये किसके द्वारा जो कि है लिखा गया है, ऑप्शन में रहेगा महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, या फिर खुदीराम बोस। राइट आंसर यहाँ पर आपका रहेगा महात्मा गांधी, महात्मा गांधी द्वारा जो कि लिखा गया है हिंद स्वराज, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन अंडमान आइलैंड्स। तो अंडमान आइलैंड्स में जो कि यहाँ पर आपका हाईएस्ट माउंटेन पीक कौन सा है, तो दोस्तों यहाँ पर हम देखें तो इसका जो कि राइट आंसर रहेगा ये सैडल पीक। सैडल पीक जो कि रहेगा ये हाईएस्ट माउंटेन पीक है अंडमान आइलैंड का। ठीक है, नेक्स्ट होगा विच कंट्री विल होस्ट 2024 समर ओलंपिक गेम्स। तो 2024 का जो कि समर ओलंपिक गेम्स जो कि है कौन सा कंट्री जो कि होस्ट करेगा, दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर रहेगा ये फ्रांस, जो कि पेरिस में ये होगा फ्रांस का, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। हु अमंग द फॉलोइंग रोट द रेनॉल्ड प्ले मालविका अग्निमित्र। मालविका अग्निमित्र जो कि है किनके द्वारा जो कि लिखा गया है, तो दोस्तों यहाँ पर जो कि आपका सही आंसर रहेगा ये कालिदास जी के द्वारा जो कि लिखा गया है मालविका अग्निमित्र, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। कौन सा जो कि रिवर एक ट्रिब्यूटरी रिवर रहेगा गंगा रिवर का, ऑप्शन में रहेगा कृष्णा रिवर, काली रिवर, लूनी रिवर, या फिर तिस्ता रिवर। दोस्तों राइट आंसर यहाँ पर आपका रहेगा जो कि काली रिवर जो कि एक ट्रिब्यूटरी है गंगा रिवर का। ठीक, नेक्स्ट रहेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ग्लोबल एग्रीमेंट टू प्रोटेक्ट द अर्थ ओजोन लेयर बाय फेजिंग आउट द केमिकल्स दैट डिप्लीट इट। इसमें से कौन सा ग्लोबल एग्रीमेंट जो कि रहेगा जो कि ओजोन लेयर डिप्लीशन से रिलेट है, तो ऑप्शन में रहेगा मंट्रियल प्रोटोकॉल, स्टॉकहोम कन्वेंशन, रामसर कन्वेंशन, या फिर बर्न कन्वेंशन। दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर जो कि रहेगा ये मंट्रियल प्रोटोकॉल जो कि होगा इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि ओजोन लेयर डिप्लीशन से जो कि रिलेट होगा। ठीक है, नेक्स्ट है इन इंडिया कॉर्पोरेट टैक्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ। कॉर्पोरेट टैक्स जो कि है एक एग्जाम्पल होगा किस टाइप का टैक्स का, ऑप्शन में रहेगा इनडायरेक्ट टैक्स, सेल टैक्स, या फिर सर्विस टैक्स एंड डायरेक्ट टैक्स। दोस्तों राइट आंसर यहाँ पर आपका रहेगा जो कि एक टाइप का डायरेक्ट टैक्स जो कि रहेगा कॉर्पोरेट टैक्स। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही होगा। नेक्स्ट पूछा गया है देवेंद्र झरझरिया इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स। देवेंद्र झरझरिया जो कि है कौन सा स्पोर्ट्स जो कि है एसोसिएट है, ऑप्शन में रहेगा यहाँ पर आपका पोल वॉल्ट, लॉन्ग जम्प, जेवलिन थ्रो, या फिर शॉटपुट।
राइट आंसर यहाँ पर आपका रहेगा जो कि जैवलिन थ्रो। जैवलिन थ्रो से जो कि रिलेट है देवेंद्र झरझरिया। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट होगा द फिलोसोफी ऑफ द बॉम्ब वॉज रिटन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग रिवोल्यूशनरी। तो यहाँ पर जो कि आपका पूछा गया है द फिलोसोफी ऑफ द बॉम्ब जो कि किसके द्वारा यहाँ पर लिखा गया है। ऑप्शन में रहेगा जतिन दास, सूर्य सेन, रास बिहारी बोस या फिर भगवती चरण बोरा। दोस्तों यहाँ पर जो कि आपका राइट आंसर रहेगा ये भगवती चरण बोरा के द्वारा जो कि लिखा गया है द फिलोसोफी ऑफ द बॉम्ब। ठीक, नेक्स्ट नेक्स्ट है विच इज द ऑथर ऑफ द बुक नील दर्पण। नील दर्पण का जो कि बुक का ऑथर कौन है। ऑप्शन में रहेगा दीनबंधु मित्र, नक्शा आर या फिर शिवनाथ शास्त्री या फिर कमला बासु। दोस्तों यहाँ पर जो कि आपका राइट आंसर रहेगा ये दीनबंधु मित्र जो कि रहेंगे ये नील दर्पण जो कि बुक रहेगा उसका ऑथर दीनबंधु मित्र। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही होगा। सो नेक्स्ट है द कार्बेलियन कर्व इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग गेम्स और स्पोर्ट्स। कार्बेलियन कर्व जो कि है कौन सा स्पोर्ट्स या फिर गेम्स जो की है एसोसिएट है। ऑप्शन में रहेगा फुटबॉल, फार्मूला वन, कार रेसिंग या फिर टेबल टेनिस, क्रिकेट। दोस्तों यहाँ पर जो कि आपका राइट आंसर होगा ये टेबल टेनिस जो कि यहाँ पर आपका सही आंसर होगा जो कि कार्बेलियन कर्व से जो कि ये एसोसिएट होगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वेयर इज कान्हा नेशनल पार्क लोकेटेड। कान्हा नेशनल पार्क जो कि है कहाँ पर है। ऑप्शन में रहेगा मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर कर्नाटक। राइट आंसर यहाँ पर आपका रहेगा जो कि कान्हा नेशनल पार्क जो कि होगा ये मध्य प्रदेश में है ये। ठीक, नेक्स्ट नेक्स्ट होगा हु अमंग द फॉलोइंग इज रिगार्डेड एज फादर ऑफ मॉडर्न ऑल इंडिया सर्विस। फादर ऑफ ऑल मॉडर्न ऑल इंडिया सर्विस जो कि है कौन है। ऑप्शन में रहेगा मदन मोहन मालवीय, जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल। दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर रहेगा जो कि ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जो कि है फादर ऑफ मॉडर्न ऑल इंडिया सर्विसेज। सो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा अलाई दरवाजा वॉज बिल्ड बाय। अलाई दरवाजा जो कि है किसके द्वारा जो कि ये बनाया गया है। ऑप्शन में रहेगा इल्तुतमिश, सिकंदर लोदी, फिरोज शाह तुगलक या फिर अलाउद्दीन खिलजी। दोस्तों राइट आंसर यहां पर आपका रहेगा जो कि ये अलाउद्दीन खिलजी जो कि है बनाए थे अलाई दरवाजा। तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर डी जो कि है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सो नेक्स्ट है व्हिच रिलीजन टॉक्स अबाउट द नोबल एट फोल्ड पाथ। ऑप्शन में रहेगा इस्लामिज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म या फिर हिंदुइज्म। दोस्तों यहाँ पर जो कि आपका राइट आंसर रहेगा ये नोबल एट फोल्ड पाथ के बारे में जो भी यहाँ पर बोलते हैं कि इसका राइट आंसर होगा बुद्धिज्म। यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट होगा हु इज द ऑथर ऑफ द बुक किताब उल हिंद। किताब उल हिंद का जो कि बुक है इस बुक का जो कि ऑथर कौन है। ओके, तो दोस्तों यहाँ पर जो कि आपका राइट आंसर रहेगा ये किताब उल हिंद जो कि है लिखे है ये अल बेरूनी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही होगा अल बेरूनी जो कि है एक बुक का ऑथर होंगे किताब उल हिंद। नेक्स्ट नेक्स्ट है द राइडर कप इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग गेम्स और स्पोर्ट्स। राइडर कप जो कि है कौन सा स्पोर्ट्स जो कि रिलेट होगा या फिर गेम्स से रिलेट है। गल्फ, क्रिकेट, बॉक्सिंग या हॉकी। राइट आंसर यहाँ पर आपका रहेगा जो कि गल्फ, एक जो कि गल्फ से रिलेट होगा राइडर कप। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट है वेयर इज द रणथंभौर नेशनल पार्क लोकेटेड। रणथंभौर नेशनल पार्क जो कि है कहाँ पर है, कौन सा स्टेट में है। राजस्थान, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश। राइट आंसर यहाँ पर आपका रहेगा जो कि राजस्थान में यहाँ पर आपका रहेगा रणथंभौर नेशनल पार्क। नेक्स्ट नेक्स्ट है इबादत खाना इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस। इबादत खाना जो कि है कौन सा प्लेस में है। दोस्तों यहाँ पर जो कि आपका राइट आंसर रहेगा ये फतेहपुर सिकरी। फतेहपुर सिकरी में जो कि रहेगा ये इबादत खाना। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपका रहेगा द टर्म्स सुपर रेट, सुपर टैकल, बोनस पॉइंट आर एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग गेम्स और स्पोर्ट्स। तो यहाँ पर आपका जो कि वर्ड्स रहेगा सुपर रेट, सुपर टैकल,
बोनस पॉइंट जो कि है कौन सा स्पोर्ट्स जो कि एसोसिएट होगा, बॉक्सिंग बॉक्सिंग होगा, जिमनास्टिक या फिर टेनिस, कबड्डी। राइट आंसर यहाँ पर आपका रहेगा जो कि कबड्डी से जो कि रिलेट है, ऐसा जो कि यहाँ पर आपका टर्म रहेगा जो कि, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका राइट होगा। नेक्स्ट है, हु वॉज द नवाब ऑफ बंगाल ड्यूरिंग द बैटल ऑफ प्लासी इन 1757 में जो कि बैटल ऑफ प्लासी हुआ था, तो उसी समय जो कि है नवाब ऑफ बंगाल जो कि है कौन रहे थे। ओके, तो दोस्तों यहाँ पर हम देखें तो इसका जो कि राइट आंसर रहेगा ये सिराज उद्दौला जो कि यहाँ पर आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट है द रेशनल फॉर्म ऑफ रिपीटिंग डेसिमल। तो यहाँ पर जो कि एक रिपीटिंग डेसिमल जो कि रहेगा, इसका हमें जो कि है रेशनल फॉर्म जो कि है निकालना, जो कि इसको हम पी बाय क्यू में इसको लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखे थे दोस्तों 0 पॉइंट, पॉइंट के बाद जो कि 374, उसके बाद फिर जो कि यहाँ पर आपका 374, जो कि यहाँ पर 374 का जो कि रिपीटेशन हो रहा है, तो इसको हम लिख पाएंगे 0.374 के ऊपर जो कि बार रहेगा। इसको जब हम लिखेंगे फ्रैक्शन में जो कि डेसिमल फॉर्म में होगा, तो 374 डिवाइडेड बाय 999। तो यहाँ पर क्या होता है कि जितना नंबर में यहाँ पर आपका बार रहेगा, उतना जो कि यहाँ पर आपका 9 यहाँ पर आपको लिखना है। ओके, तो आंसर में यहाँ पर आपका आएगा 374 डिवाइडेड बाय 999, यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर जो कि यहाँ पर आपका सी में होगा, 374 डिवाइडेड बाय 999। ओके, नेक्स्ट, NEP 2020 रिप्लेस द, NEP 2020 जो है किसको जो कि रिप्लेस किया है। ऑप्शन में रहेगा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 या फिर नेशनल पॉलिसी एंड एजुकेशन 1969, बोथ ए एंड बी या फिर नन ऑफ द अबव। राइट आंसर यहाँ पर आपका रहेगा जो कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 को जो कि रिप्लेस किया है NEP 2020, ठीक। नेक्स्ट होगा, नेम इंडियाज फर्स्ट डोमेस्टिकली बिल्ट एयरक्राफ्ट कैरियर। इंडिया का जो कि है फर्स्ट डोमेस्टिकली बिल्ट एयरक्राफ्ट कैरियर का जो कि नाम क्या है। ऑप्शन में रहेगा INS विशाल, INS विक्रमादित्य, INS अरिहंत या फिर INS विक्रांत। दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर रहेगा जो कि ये INS विक्रांत जो कि रहेगा, फर्स्ट डोमेस्टिकली बिल्ट एयरक्राफ्ट कैरियर, ठीक। नेक्स्ट, न्यू पॉलिसी एम्स फॉर यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन फ्रॉम प्री स्कूल टू सेकेंडरी स्कूल विथ 100% ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो इन स्कूल बाय। तो यहाँ पर हम देखें तो NEP का जो कि एम रहेगा 100% ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो, जो कि ये कब तक फुलफिल हो पाएगा, मतलब इसका जो कि एम कौन सा ईयर तक है। ओके, तो यहाँ पर जो कि आपका राइट आंसर रहेगा ये बाय 2030 जो कि यहाँ पर आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। ओके, नेक्स्ट पूछा गया है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ निष्ठा एन इनिशिएटिव अनाउंस्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। तो निष्ठा का जो कि यहाँ पर आपका फुल फॉर्म पूछा गया है, दोस्तों यहाँ पर जो कि आपका सही आंसर रहेगा ये नेशनल इनिशिएटिव ऑन स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी जो कि यहाँ पर आपका सही आंसर है। सो नेक्स्ट है, द ब्रॉडर मीनिंग ऑफ एजुकेशन इंक्लूड्स ऑल द एक्सपीरियंसेस एंड नॉलेज एक्वायर्ड थ्रू। तो यहाँ पर हम एजुकेशन का जो कि ब्रॉडर मीनिंग यहाँ पर हम जब बोलेंगे, तो यहाँ पर जो कि किस टाइप का एक्सपीरियंस या फिर नॉलेज जो कि है इंक्लूड होगा, जैसे कि यहाँ पर आपका ऑप्शन रहेगा फैमिली एंड फ्रेंड्स इन एन इनफॉर्मल वे में, यहाँ पर जो भी आपका नॉलेज या फिर एक्सपीरियंस होगा, या फिर फॉर्मल इनफॉर्मल एंड इंसिडेंटल लर्निंग, जो भी यहाँ पर आप मतलब एक्सपीरियंस या फिर नॉलेज आप एक्वायर करेंगे फॉर्मल या फिर इनफॉर्मल वे में, या फिर इंसिडेंटल लर्निंग जो भी आपको हर समय जो कि यहाँ पर आप एक्वायर करते हो, या फिर फॉर्मल क्लासरूम लर्निंग, पीयर ग्रुप डिस्कशन एंड सेशन। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखें तो एजुकेशन का जो कि आपका ब्रॉडर मीनिंग में जो कि इंक्लूड होंगे फॉर्मल इनफॉर्मल एंड इंसिडेंटल लर्निंग, यही आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। ओके, नेक्स्ट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, ए कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम रिक्वायर्स द साइंस टीचर टू। एक कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम के लिए किस टाइप का जो कि यहाँ पर आपका साइंस टीचर जो कि रिक्वायर्ड होगा। ऑप्शन में यहाँ पर आपका रहेगा डेमोन्स्ट्रेट द एक्सपेरिमेंट स्टेप वाइज एंड लॉजिकली,
अपन रियल लाइफ प्रॉब्लम्स बेस्ड लेसन इंटीग्रेटेड विथ मल्टीमीडिया या फिर एंगेज इन लॉट ऑफ क्वेश्चनिंग एंड रेनफोर्स द स्टूडेंट्स व्हेन दे रेस्पॉन्ड करेक्टली या फिर एक्ट एज ए फैसिलिटेटर एंड गिव स्टूडेंट्स एम्पल अपॉर्चुनिटी टू मैनिपुलेट हैंड्स ऑन मटेरियल। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखें तो जो भी टीचर यहाँ पर आपका सही आंसर जो कि रहेगा एक्ट एज ए फैसिलिटेटर एंड गिव स्टूडेंट्स एम्पल अपॉर्चुनिटी टू मैनिपुलेट हैंड्स ऑन मटेरियल, तो यही आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स स्पिन्स द क्लॉकवाइज डिरेक्शन, कौन सा प्लैनेट का जो कि यहाँ पर आपका स्पिन जो कि रहेगा क्लॉकवाइज डिरेक्शन में जो कि है होता है। सो ऑप्शन में यहाँ पर आपका रहेगा मार्स, सैटर्न, वेनस या फिर जुपिटर। तो क्लॉकवाइज डिरेक्शन में जो भी स्पिन होता है दोस्तों इसका जो कि राइट आंसर हो जाएगा ये वेनस, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही होगा। नेक्स्ट, सो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा द एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज साइड्स आर 20 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर एंड 52 सेंटीमीटर। दोस्तों एरिया ऑफ द ट्राइंगल के लिए यहाँ पर जो कि एक टाइप का जो कि एक स्केलन ट्राइंगल रहेगा, यहाँ पर इसका साइड जो कि है डिफरेंट है, तो यहाँ पर जो कि आप हेरन्स का फॉर्मूला जो कि रहेगा इसको जो कि आप यूज कर सकते हो, जैसे कि आपका रहेगा एस इंटू एस माइनस एम इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी और इसका जो कि आपका रूट ओवर रहेगा और एस का वैल्यू जो कि आपका होता है ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई टू। तो एस का वैल्यू आपको पहले निकालना है, उसके बाद जो कि हेरन्स का फॉर्मूला जो कि यहाँ पर आपको यूज करना है एक टाइप होगा, या फिर देखो इसमें हम ऐसे करते हैं कि जैसे कि यहाँ पर आप देखो यहाँ पर हम 4 का डिवाइड करते हैं 20 में तो ये आपका आ जाएगा 5 होगा, यहाँ पर हम देखो 4 से डिवाइड करते हैं तो ये आपका 12 होगा, यहाँ पर हम 4 से डिवाइड करते हैं तो ये आपका होगा 13। तो देखो 5 12 एंड 13 जो कि ट्रिपलेट होता है जो कि यहाँ पर आपका राइट एंगल ट्राइंगल में जो कि आपका होता है, जैसे कि यहाँ पर आपका 5 आपका 12 और 13 जो कि ये होता है। तो इसमें हम देखिए तो आपका जो कि रहेगा ये एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यह यहाँ पर हम देखें तो जब हम आप सेम नंबर से डिवाइड कर रहे हैं तो ये आपका ट्रिपलेट बन रहा है तो इसको हम यूज कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप 13 यहाँ पर आप देखो जो कि आपका 52 है एंड यहाँ पर आपका जो कि रहेगा 20 की जगह यहाँ पर आपका रहेगा जो कि आपका 5 है एंड यहाँ पर आपका 48 के जो कि यहाँ पर आपका 12 है। तो यहाँ पर हम एरिया ऑफ द ट्रायंगल जो कि आपका रहेगा राइट एंगल ट्रायंगल का यहाँ पर आपको यूज करना है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होगा, तो यहाँ पर आपका बेस जो कि रहेगा यहाँ पर आपका 5 है, मीन्स यहाँ पर आपको 20 पुट करना है, यहाँ पर हम कर लेते हैं हाफ इंटू बेस में यहाँ पर आपका 20 रहेगा एंड हाइट में यहाँ पर हम देखें तो आपका 12 मीन्स यहाँ पर आपका 48 रहेगा। तो इसमें हम देखो 2 का कट करते हैं 2 2 ज़ा 4 एंड 2 4 ज़ा 8, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो कि रहेगा दोस्तों 2 4 ज़ा 8 एंड 2 2 ज़ा 4, तो 480 जो कि यहाँ पर आपका आएगा आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो आंसर जो कि आपका रहेगा 480 सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक माई जर्नी ट्रांसफॉर्मिंग ड्रीम्स इंटू एक्शन, एक बुक का जो कि यहाँ पर आपका नाम होगा माई जर्नी ट्रांसफॉर्मिंग ड्रीम्स इंटू एक्शन, बुक का जो कि है ऑथर जो कि कौन है। फ्रेंड्स यहाँ पर राइट आंसर रहेगा जो कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जो कि इसका सही आंसर होगा, ठीक है। सो नेक्स्ट है द ललित कला अकेडमी इज डेडिकेटेड फॉर प्रमोशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, तो ललित कला अकेडमी जो कि यहाँ पर आपका रहेगा प्रमोशन ऑफ फाइन आर्ट्स जो कि यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इन कंटेक्स्ट ऑफ नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, तो NCERT के हिसाब से जो कि यहाँ पर हम देखें तो कौन सा जो कि स्टेटमेंट जो कि यहाँ पर आपका करेक्ट है। ऑप्शन में रहेगा NCERT वॉज फाउंडेड इन 1961, ये आपका सही है। NCERT डज नॉट कंडक्ट रिसर्च इन टीचर एजुकेशन, दोस्तों ये आपका स्टेटमेंट जो कि है गलत है एंड NCERT डज नॉट ऑफर प्री सर्विस टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, ये स्टेटमेंट भी जो कि है गलत रहेगा। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर हम देखें तो NCERT डज नॉट सेट स्टैंडर्ड फॉर टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, तो यहाँ पर हम देखें तो NCERT जो कि ये स्टैंडर्ड जो कि है सेट नहीं करता है, तो ये स्टेटमेंट जो कि आपका सही है दोस्तों। तो यहाँ पर आपका
ऑप्शन जो कि 1 रहेगा एंड 4 रहेगा, ये आपका सही होगा। तो यहाँ पर जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा 1 एंड 4, ठीक। ओके नेक्स्ट है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पर हम देखें तो स्टेटमेंट ए जो कि रहेगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आर मोर ऑब्जेक्टिव देन ट्रू फॉल्स टाइप क्वेश्चन। एंड नेक्स्ट होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आर लेस ऑब्जेक्टिव देन एसे टाइप क्वेश्चन। तो यहाँ पर हम देखें तो स्टेटमेंट ए जो कि यहाँ पर आपका रहेगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आर मोर ऑब्जेक्टिव देन ट्रू फॉल्स, ये आपका सही है। एंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आर लेस ऑब्जेक्टिव देन एसे टाइप, ये गलत रहेगा। तो यहाँ पर आपका आंसर जो कि रहेगा, ए इज ट्रू एंड बी इज फॉल्स, ठीक है। नेक्स्ट है, NCERT 2005 रिकमेंड्स द टोटल होमवर्क टाइम फॉर सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी शुड बी। तो यहाँ पर हम देखें तो NCERT 2025 के हिसाब से जो कि होमवर्क का टाइम जो कि रहता है सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी स्कूल के लिए, ये कितना होना चाहिए। तो यहाँ पर जो कि रहेगा ऑप्शन 17 टू 18 आवर्स ए वीक, 19 टू 20 आवर्स ए वीक, या फिर 10 टू 12 आवर ए वीक एंड 14 टू 16 आवर ए वीक। दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर रहेगा जो कि ये 10 टू 12 आवर ए वीक, जो कि यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। सो दोस्तों आज का वीडियो में इतना ही था। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।